Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म लाइफ इज अ मिरेकल के बारे में, जो कहानी है लूका नाम के एक इंजीनियर की, जो बॉस्निया के एक छोटे से गांव को सर्बिया से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बना रहा था, पर फिर उसकी जिंदगी अचानक पूरी तरह पलट गई। लूका सर्बिया का एक रेलवे इंजीनियर है जिसने अभी अभी सर्बिया छोड़कर बॉस्निया आने का फैसला किया, जहां वो पहाड़ों से लेकर सर्बिया तक के रेलवे लाइन का काम करेगा। वो अपने बेटे मिलोश और अपनी पत्नी जदरांका के साथ बॉस्निया में रहता है, जहां उसी रेलवे स्टेशन पर वो केयर टेकर का काम करता है। मिलोश एक फुटबॉलर बनना चाहता है और इसलिए वो बेलग्रेड आता जाता रहता है। उन्हीं पहाड़ी इलाकों में वेलियो नाम का एक डाकिया रेलवे ट्रैक की मदद से अपना काम करता है। एक दिन एक आदमी के घर पेंशन पहुंचाते हुए उसे पता चला कि उस घर में और उस इलाके में भालू घुस आए हैं और हर किसी को मार रहे हैं, और उनसे डरकर वो भागने लगा। पर बीच रास्ते ट्रैक पर एक गधी आकर खड़ी हो गई, जो हटने को तैयार नहीं थी। उस गधी के मालिक वुयान से उसने मदद मांगी तो वो कहने लगा कि वो गधी नहीं हिलेगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार नहीं है और इसलिए वो तकलीफ में जी रही है। उसने बताया कि वो रो रही है और ट्रेन के आगे अपनी जान देना चाहती है। वुयान ने उसे समझाया कि अब तक रेलवे का काम पूरा नहीं हुआ है और कोई ट्रेन नहीं आने वाली, पर वो सुनने को तैयार नहीं। वेलियो लूका को भालुओं के बारे में बताना चाहता था, पर लूका ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उसने बताया कि वो भालू क्रोएशिया से आ रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस इलाके का मेयर एक मतलबी आदमी है जिसे अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती है। जब वो मेयर म्यूजिक सुनने आया तो वेलियो ने सोचा कि भालुओं के बारे में वो उन्हें बताएगा, पर ना तो उसे बात करने दिया गया और ना ही मेयर कुछ सुनना चाहते थे। लूका ने मेयर को अपना रेलवे प्रोजेक्ट बताया जिससे वो सर्बिया और बॉस्निया को जोड़ने वाला है, और ये सुनकर मेयर बहुत खुश हुए। जिस टनल की लूका बात कर रहा था उसी टनल में मिलोश अपने दोस्तों के साथ था, और कुछ देर बाद उसके दोस्त शराब के नशे में ऐसी हरकतें करने लगे जिससे मिलोश डरने लगा, पर वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। जब वेलियो और लूका घर वापस आ रहे थे तब वही गधी उनके सामने आ गई, और वेलियो ने बताया कि उसका मालिक वुयान है। ये सुनकर लूका हैरान हुआ और उसने कहा कि वुयान को गुजरे 5 साल हो गए हैं। उस वक्त वेलियो ने उस गधी के कान में कुछ कहा और लूका से कहा कि वो सीटी बजाए, जिसके बाद ही वो ट्रैक से हटेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लूका की पत्नी जदरांका दिमागी तौर से परेशान रहती है और वो जानती है कि लूका जल्द ही उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल भेजने वाला है। इसी बारे में अपने दोस्त से बात करते हुए वो और परेशान होने लगी और रोने लगी, पर लूका ने उससे कहा कि मिलोश के सामने उसे नॉर्मल रहना होगा। और उसी दिन वो जदरांका को दवाइयां दिलवाने हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मौजूद नर्स रोज लूका को इसी तरह अपनी पत्नी का साथ देते देखती है और सोचती है कि काश उसकी पत्नी की जगह वो खुद होती। अचानक उन नर्सेस को एक चूहा नजर आया, जिसे भगाने की कोशिश में उनमें से एक नर्स स्ट्रेचर पर बैठ गई और स्ट्रेचर के साथ वो लूका से टकरा गई। अगली शाम मिलोश का फुटबॉल मैच चल रहा था और मैच के दौरान जदरांका एक फुटबॉल मैनेजर के पास चली गई और अपने बेटे के बारे में बताने लगी ताकि वो नेशनल टीम में मिलोश को जगह दे दे। वो ये भी कहने लगी कि वो एक ओपेरा सिंगर है, पर उसकी बातों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जदरांका की हरकतें देखकर मेयर को उस पर तरस आने लगा और लूका और मिलोश को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। पर जब मिलोश की वजह से उसकी टीम मैच जीत गई तो वो सब खुश हुए, और उस मैनेजर ने जदरांका से कहा कि वो उसके बेटे को मौका जरूर देगा। ठीक उस वक्त दोनों टीम्स के लड़कों में लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई में मिलोश भी शामिल हो गया, जिसे बचाने के लिए उसके माता पिता और मेयर भी उस लड़ाई में घुस आए, और नतीजा ये हुआ कि उस मैनेजर का कॉल कभी आया ही नहीं और मिलोश का दिल टूट गया। जल्द ही रेलवे लाइन का काम फिर से शुरू हुआ और इसी के साथ भालुओं का शिकार भी शुरू हुआ, और इस शिकार से सबसे ज्यादा खुश वेलियो था। शिकार के बीच एक आदमी मेयर को मारने आया था और लोग भालुओं को देखने में इतने बिजी थे कि उन्होंने ये ही नहीं देखा कि मेयर को गोली लग चुकी है और उनकी मौत वही हो गई। मेयर पर यह हमला उनके असिस्टेंट ने ही करवाया था और अब वही मेयर बन गया। उसने रेलवे ट्रैक का इनॉग्रेशन किया और इस इनॉग्रेशन में जदरांका को गाने का मौका मिला। अचानक क्रोएशिया में जंग छिड़ गई और धीरे धीरे वो जंग सर्बिया और बॉस्निया में फैलने लगी, पर लूका अपने प्रोजेक्ट में इतना खोया हुआ था कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जदरांका को पता चला कि मिलोश को आर्मी से बुलावा आया है,
पर इस बात से परेशान होने की जगह लुका खुश होने लगा और ये जदरांका को अच्छा नहीं लगा। उन दोनों के बीच का झगड़ा तब सुलझा जब मिलोश घर वापस आया और उसने बताया कि उसे नेशनल फुटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। उस रात मिलोश जश्न मनाना चाहता था, पर यह सुनकर कि उसे आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, वो परेशान हो गया। दूसरी ओर जदरांका को हंगरी से आया एक म्यूजिशियन पसंद आने लगा और जहां वो उस म्यूजिशियन के करीब आने की कोशिश कर रही थी, तो वही लुका ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके देश में जंग हो सकती है या नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी वॉर में जाए। जब इसी बारे में वो कैप्टन अलेक्सी से बात करने गया तो उसने कहा कि कोई जंग नहीं होगी। उस रात वो सारा गाँव जश्न के माहौल में गुम था, पर कोई नहीं जानता था कि वॉर की शुरुआत सचमुच हो चुकी है। अगली सुबह मिलोश के आर्मी कैंप जाने का वक्त आ गया, पर ना लुका उसे जाने देना चाहता था और ना ही उनका कुत्ता। जाते जाते मिलोश ने कहा कि लुका उसकी तरफ से जदरांका को अलविदा कह दे, पर वो ये नहीं जानता था कि जदरांका पिछली रात को ही उस म्यूजिशियन के साथ घर छोड़कर चली गई है। घर वापस आने पर जब लुका ने न्यूज देखा तो उसे पता चला कि अलेक्सी ने झूठ कहा था और गुस्से में उसने अपना टीवी तोड़ दिया। उस रात के बाद हर तरफ गोलीबारी शुरू हो गई थी और इस बीच लुका वेलियो से खाने का सामान मंगवा रहा था। उसका रेलवे ट्रैक अब हथियार ले जाने के काम आ रहा था और जहां वेलियो ये सोचकर डर रहा था कि उन पर गोलियां बरस सकती हैं, लुका बेफिक्र होकर मिलोश का इंतजार कर रहा था। वॉर के लिए आम नागरिकों को भी ट्रेनिंग दी जाने लगी, पर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद लुका को खबर मिली कि मिलोश घर लौट कर आया है, पर जब वो घर पहुंचा तो उसे मिलोश सोया हुआ मिला। उसे नींद से ना जगाकर लुका उसी के पास सो गया और अगली सुबह जब मिलोश की आंखें खुली तो उसने अपने पिता को सोया हुआ पाया। मिलोश ने भी उसे नींद से नहीं जगाया और अपने पिता से मिले बिना ही उसे वापस लौटना पड़ गया। कुछ दिनों बाद वेलियो लुका के पास आया और उसने कहा कि उसके लिए मिलोश की खबर आई है। लुका ये जानकर बुरी तरह परेशान हो गया कि मिलोश को वॉर में बंदी बना लिया गया है। वो बिना वक्त गवाए अलेक्सी के पास गया और उससे कहने लगा कि वो उस जगह जाना चाहता है जहां मिलोश को कैद में रखा है। अलेक्सी ने उसे समझाया कि वो इस तरह जिद नहीं कर सकता और उसने कहा कि उसका खुद का बेटा एक जंग में गुमशुदा हुआ था और 2 सालों से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अलेक्सी ने तब वादा किया कि वो मिलोश को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लुका एक बार के लिए ट्रेन के आगे अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस रात गांव में रहने वाला एक सिपाही टोमो उसके पास आया और अपने साथ एक लड़की को लेकर आया जिसे उसने कैद में रखा था। वो लड़की बोस्निया के एक मुस्लिम वीआईपी की बेटी है जिसे दुश्मनों के हाथों देकर उसके बदले वो मिलोश को वापस ला सकते हैं। पहले तो लुका ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया, पर उसने देखा कि वो लड़की हॉस्पिटल की वही नर्स है जो उससे मिली थी और वो उसे बारिश से बचाकर अपने घर ले आया। वो लड़की सबा डरी हुई थी, पर लुका ने उसे संभाला और उस रात उस पर नजर रखने लगा। अगले दिन सबा को उसने समझाया कि वो उसे एक कैदी की तरह नहीं रखना चाहता और उसने कहा कि वो उसे सुरक्षित उसके परिवार के पास छोड़कर एक्सचेंज में अपना बेटा घर ले आएगा। वेलियो को सबा के बारे में पता चला और वो लुका से मिलने आया। वो लुका को समझाने लगा कि उसे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो लड़की उसे मार सकती है, पर लुका जानता था कि सबा एक अच्छी लड़की है चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। पर फिर लुका ने देखा कि सबा ने उसकी पत्नी के कपड़े पहने हैं और ये देखकर वो अपना आपा खो बैठा। वो उस पर चिल्लाने लगा और वो कपड़े निकालने की जिद करने लगा और ये देखकर वेलियो को उस लड़की के लिए बुरा लगा। लुका अब दिन रात मिलोश के बारे में सोचने लगा है और वो अब उसके आने का और इंतजार नहीं कर पा रहा। सबा को उसने जदरांका की बहन के कपड़े दिए जिन्हें पाकर वो फिर से बेहतर महसूस करने लगी। अगली सुबह लुका टनल बंद करने लगा क्योंकि उसे अलेक्सी के ऑर्डर्स मिले थे, पर ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे सबा और लुका दोनों बातचीत करने लगे और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक तरफ जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो दूसरी तरफ गोलीबारी बढ़ती जा रही थी। वेलियो ने बताया कि मुस्लिम फौज उनके इलाके में घुस आई थी और उन लोगों को जल्द से जल्द वहां से दूर जाना पड़ा। नर्स होने की वजह से सबा को एक प्रेग्नेंट औरत की मदद करने बुलाया गया और अगली सुबह सबा बच्चे की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। लुका ये सोचने लगा था कि अब वो सबा के बिना खुश नहीं रहेगा, पर फिर सबा ने कहा कि उसे सबा को किसी के हाथों सौंपने की जरूरत नहीं क्योंकि वो किसी वीआईपी की बेटी है ही नहीं। लुका ये सुनकर चिल्लाने लगा क्योंकि अब उसका बेटा घर वापस नहीं आ पाएगा। वो सबा से कहने लगा कि अब वो आजाद है, पर सबा उससे दूर नहीं जाना चाहती थी।
लूका ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और उसे छोड़कर वहाँ से दूर चला गया। किसी तरह लूका का पीछा करके सबा ने उसे ढूंढ निकाला और लूका के पिता के घर पहुंची, जहां लूका उसका इंतजार कर रहा था। वो अब उससे नाराज नहीं था और उसने सबा के साथ रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके घर के पास ही वो यान का घर था, जिसकी गधी अब घर वापस आ गई थी और अब वो मरना नहीं चाहती थी। लूका ये जानकर हैरान हो गया कि वो यान कभी मरा ही नहीं था और सालों से वो इसी घर में छिपकर रह रहा है। उस रात अलेक्सी लूका से मिलने आया और उसने बताया कि टोमो और गांव का नया मेयर दोनों गद्दार हैं, और क्योंकि उन्हें ये सच्चाई पता है, उसकी और लूका की जान को खतरा है, इसलिए कुछ सिपाहियों को लेकर वो लोग टनल के पास गए जहां मेयर हथियार सप्लाई कर रहा था, और मौका देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उसी वक्त मेयर की जान चली गई। उस दिन लूका बीमार हो गया और इस वजह से उसे सोते हुए ऐसा लगने लगा कि वो मर चुका है। उसे मिलोश के साथ बिताए दिन याद आने लगे, पर फिर वहाँ वेलियो आ गया, जो अपने साथ एक खुशखबरी लाया था। लूका को लगा कि मिलोश घर लौट कर आ गया है, पर असल में जदरांग का घर वापस आई थी, और वेलियो ये सोच रहा था कि उसे वापस देखकर लूका खुश होगा, पर वो और जदरांग का ये नहीं जानते थे कि वो सबा से प्यार करता है। जब जदरांगका ने सबा को घर में देखा तो वो ये सोचने लगी कि सबा वेलियो की गर्लफ्रेंड है, पर जब वेलियो ने उसे बताया कि लूका उसका ध्यान किस तरह रखता है, तो वो समझ गई कि सच क्या है, और फिर वो और सबा एक दूसरे से लड़ने लगे। लूका उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, पर जदरांगका की बातें सुनकर सबा घर से बाहर चली गई। गुस्से में लूका ने जदरांगका को बांध दिया और सबा के पीछे दौड़ा, और उन दोनों के पीछे वुयान की गधी दौड़ी। बहुत देर तक पीछा करने के बाद सबा रेलवे ट्रैक पर मिली और कहने लगी कि वो ट्रेन के आगे अपनी जान देना चाहती है, पर लूका ने उसे समझाया और अपने साथ वापस घर ले जाने लगा। बीच रास्ते उन्हें अलेक्सी ने रोका और कहा कि सबा को सौंपने का वक्त आ चुका है और लूका उसे अपने पास नहीं रख सकता। लूका उसे सौंपने को तैयार नहीं था और सबा को वहाँ से भगाकर वो उससे कहने लगा कि वो दोनों ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। वो दोनों इस बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे, पर वो नहीं जानते थे कि कुछ मुस्लिम शिकारी वहाँ मौजूद है। उन शिकारियों ने गोली चलाई जो सबा के पैर में लगी, और किसी तरह उनसे बचकर लूका सबा को वहाँ से दूर ले आया। बर्फीले इलाकों में सबा की तकलीफें बढ़ती जा रही थी और उसका खून बहता जा रहा था, पर लूका उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, और फिर वो उसे अलेक्सी के कैंप में लेकर आया। जल्द से जल्द सबा का इलाज शुरू किया गया और उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हुए लूका उसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताने लगा। अलेक्सी भी उसकी मदद करने लगा ताकि सबा की आंखें बंद ना हो, पर डॉक्टर ने अलेक्सी को बताया कि सबा के बचने की उम्मीद कम है। कुछ वक्त बाद सबा ने लूका से कहा कि वो मरने वाली है, और ये कहते ही वो बेहोश हो गई। अगली सुबह कैदियों के एक्सचेंज का वक्त आया और सबको पता चला कि सबा जिंदा बच गई है। लूका सबा के लिए अपना कोट लेकर आना चाहता था, पर उसे वो मौका नहीं मिला क्योंकि उसे रोक दिया गया। किसी तरह वुयान की गधी की मदद से लूका ब्रिज पर पहुंचा, पर जैसे ही वो सबा के पास पहुंचा, उसके सामने मिलोश आ गया और अपने बेटे को वापस लाते हुए लूका अपने प्यार से अलग हो गया। मिलोश और जदरांगका को लेकर रेलवे ट्रैक से लूका वापस अपने घर आया, जहां सब कुछ अब बर्बाद हो चुका था। अलेक्सी जानता था कि लूका सबा को खोकर खुश नहीं था, और तब उसने बताया कि वो भी किसी से प्यार करता था, पर वो लड़की दुश्मन देश की नागरिक थी, इसलिए उन्हें अलग होना पड़ा। जदरांगका अब लूका को वापस पाने की कोशिश कर रही थी, पर लूका का ध्यान अब सिर्फ उस रेलवे ट्रैक पर था जहां वो अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था। पर जैसे ही वो अपनी जान देने के लिए ट्रैक्स पर लेटा, तो उसके और ट्रेन के बीच वुयान की गधी आ गई। लूका समझ गया कि वो असल में उससे क्या कहना चाहती है, और अंत में वो उस गधी के साथ सर्बिया गया और वहाँ से सबा को लेकर वापस अपने घर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।